मुजफ्फरपुर के बैरिया गुलंबर स्थित माँ दुर्गा मंदिर में शस्त्र पूजन हिंदूवादी संगठनों द्वारा शस्त्र पूजन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों को तलवार बांटकर सनातन संस्कृति की विरासत को बचाए रखने के लिए जरूरी बताया। इस दौरान जय श्री राम जय माँ भवानी के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान उठा। हिंदूवादी संगठन के युवा नेता वैभव मिश्रा, चंद्र किशोर परासर, हरि मोहन चौधरी सहित काफी संख्या में हिंदूवादी संगठन के नेता मौजूद रहे। नेताओं ने बताया कि सनातन परंपरा की रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों जरूरी हैं। दशहरे पर शस्त्र पूजन करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यही हमारी सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। ये पूजा आत्मविश्वास, साहस और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर बैरिया गोलंबर स्थित माता दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आज हम सभी लोग एकत्रित हुए, सभी हिंदू भाई एकत्रित हुए और अपना शस्त्र पूजन किए हैं और साथ ही साथ उन गणमान्यों को सम्मानित किया गया है जो हिंदू हित के लिए सदैव कार्य करते आ रहे हैं तन मन धन से, आज उन्हें सम्मानित किया गया है। आज इस आयोजन का यही तात्पर्य था कि आज हमारा शस्त्र पूजन है, ये विधिवत होता है और हमने आज हम लोग शस्त्र को इसलिए मातृशक्तियों में दे रहे हैं या फिर अपने भाइयों को दे रहे हैं कि शस्त्र में जंग नहीं लगना चाहिए, उन विधर्मियों से उन जिहादियों से लड़ने के लिए ये शस्त्र हम लोग हमारे तरफ से आज ये मातृशक्तियों को भाइयों और बहनों को प्राप्त किया जाती है। ये शस्त्र पूजा लगभग हम लोग 10 सालों से करते आ रहे हैं लगातार इस शहर में और शस्त्र का वितरण करते आ रहे हैं। मेरा नाम वैभव मिश्रा हो गया, हिंदूवादी कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर। आज विजयादशमी है और हजारों वर्ष से हमारी परंपरा रही है शस्त्र पूजा की। हमारे ऋषियों ने कहा है उपनिषदों में कि अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरह धनु, अर्थात हमें अपने अग्रभाग में अपने मस्तिष्क में सारे शास्त्रों का ज्ञान रखना चाहिए, मगर दुर्जनों का नाश करने के लिए पृष्ठभाग में आप हथियार तलवार भाला फरसा गरासा AK-47 AK-56 भी रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू वही है जो पराक्रमी है, जो पराक्रमी नहीं है वो हिंदू नहीं है। आज एक प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने दुर्जनों के खिलाफ एक अभियान चलाया है भारतवर्ष में षड्यंत्र के तहत पूरे देश में लफ्ज दशहरा है और दशहरा के दिन जो हम लोग सनातनी हैं शस्त्र पूजा की परंपरा है तो निश्चित रूप से आज शस्त्र की पूजा हुई बहुत ही उत्साहवर्धक रहा यहाँ पे। और मध्यकाल में हमने देखा है कि सनातनी हथियार रखना छोड़ दिए, तो ये हथियार तलवार भाला फरसा ये जो हमारा पारंपरिक हथियार है अपने धर्म की रक्षा के लिए आत्मरक्षा के लिए तो इसको रखना जरूरी है और सनातन को बचाना है तो इस तरह का शंख बजाना होगा। भारत के गौरव गरिमा हर ग्रंथ की रक्षा हो और ऐसा शंख बजाना कि हर संत की रक्षा हो, नारी के सम्मान सेना के अभिमान। आज दशहरे के इस शुभ अवसर पर हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही शस्त्र पूजा का परंपरा रहा है और आज भी यहाँ पर श्री मातृ उपासना केंद्र बैरिया के प्रांगण में शस्त्र पूजा सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि शस्त्र पूजा किए हैं और सभी को शस्त्र उपहार में दिया गया है, सम्मानित किया गया है। ऐसी मान्यता है हमारी कि जब दुर्गा जी महिषासुर का मर्दन करने के लिए, उनका वध करने के लिए जा रही थी तो युद्ध से पहले सभी देवी देवताओं ने शस्त्र की पूजा की थी। वही परंपरा आज तक चली आ रही है और आज भी शस्त्र पूजा हो रहा है। हम सभी इसमें सम्मिलित होकर के बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।